हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 9 सितंबर 2018 में इंडिया का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का मैथ का पेपर का पूरा जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करके आपको देने वाला हूँ। ठीक है, मतलब जस्ट को आंसर नहीं, उसके साथ आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका क्या होगा, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा कि यस आंसर सही है या गलत, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ट्रल सॉल्व करके ही दिखाने वाला हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। ये है बुकलेट सीरीज बी का क्वेश्चन है। अगर आपके पास बुकलेट सीरीज बी है तो खोल के देखिए, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है ये क्वेश्चन। अगर आपके पास अदर्स कोई क्वेश्चन है, मतलब ए सी डी होगा, तो मुझे पता नहीं उसका कौन सा दाग में ये क्वेश्चन नंबर, कौन से नंबर में ये क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर उसको ढूंढ लीजिए थोड़ा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये है, व्हाट इज द सम ऑफ द 3-डिजिट नंबर्स देन कैन बी फाउंड यूजिंग द ऑल 3 डिजिट 3, 4 एंड 5 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। मतलब ये जो 3 डिजिट है, 3, 4, 5, मतलब 3, 4, 5 है, इस 3 डिजिट से आप कितने सारे नंबर्स जनरेट कर सकते हैं, डिफरेंट नंबर जनरेट कर सकते हैं, कितने सारे। तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा 2664। इसका आंसर होगा 2664। अगर आपने 2664 आंसर किया है तो इसका आपने एकदम सही आंसर किया, आपको इसके लिए फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और जो लोग ये नहीं किया उसका कम से आंसर रॉन्ग है। तो देखिए, नंबर कितने था, 3, मतलब 3, 4 और 5। अब देखिए, ये 3 नंबर को हम डिफरेंट तरीके से कितने तरह से इसको हम, मतलब कितने सारे इसके लिए ये कर सकते तो जनरेट कर सकते कितने सारे नंबर, वो है 3 फैक्टोरियल। अगर 4 नंबर्स होता तो 4 फैक्टोरियल, 5 नंबर होता तो 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इतनी तरह से, मतलब 3 फैक्टोरियल तरीके से हम इसको डिफरेंट तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल मतलब 6 आता है, मतलब इस तीनों नंबर की मदद से हम 6 डिफरेंट नंबर को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो 6 नंबर होगा ये। अब देखिए, ये जो नंबर है, ये तीनों, ये जो 6 नंबर मैंने लिखे हैं, ये 6 नंबर बस 3, 5 और 4 से ही बना है और किसी ने, और देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ, मतलब कि 3 दो बार आया है, 4 दो बार आया है, कि 5 दो बार आया है, ऐसा कोई नहीं। बस अब जो हम करते हैं क्लास 1 व क्लास 2 में इसको ऐड करेंगे, इससे ऐड करेंगे, देखिए 2664 आएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, शायद आपने आंसर ठीक ही किया होगा। ठीक है, तो ये है आंसर। और बाकी जो 120 क्वेश्चन है, बाकी मतलब मैंने अभी चैनल पर बहुत सारे क्वेश्चंस का अपलोड कर चुका है इसी बीच, तो आपने शायद वो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, वो सारे क्वेश्चन इंडिया का है, कल का एग्ज़ाम का। ओके, तो और भी जो क्वेश्चन है वो आपको आज ही मिल जाएगा, मैं सारे के सब अपलोड करके अपलोड कर दूंगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, मिलता है अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए।